मैरी क्रिसमस। खूनी मंडे का क्रिसमस भी मैरी करो और खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ जिंगल बेल प्रेस करना मत भूलना। अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश फ्रीकी फ्राइडे भी एंजॉय करो। चेक आउट आवर न्यू एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरी moth.com ओनली ऑन आवर स्पॉटिफाई पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। स्केरी सांता। बेकी, जो सिर्फ 10 साल की थी, अपनी माँ ओलिविया से बहुत नाराज थी क्योंकि वो क्रिसमस से एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क से शिकागो शिफ्ट हुए थे और बेकी अपने पुराने घर और सारे फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही थी। ओलिविया ने अपनी बेटी बेकी का मूड ठीक करने के लिए उसे क्रिसमस ईव की शाम को एक टॉय शॉप ले जाकर उसका मनपसंद गिफ्ट दिलाने का सोचा। ओलिविया बेकी को कई टॉय शॉप्स पर लेकर गई पर उसे कहीं कुछ पसंद नहीं आया। जब वो वापस घर जा रहे थे तो उनके घर से कुछ ब्लॉक्स दूर एक कोने में बेकी ने अपनी मॉम ओलिविया को एक टॉय शॉप पर गाड़ी रोकने को कहा। उस टॉय शॉप में बेकी को अपना मनपसंद बोर्ड गेम दिखा। जब वो उस शॉप के अंदर गए तो उनके चारों तरफ अलग अलग खिलौने थे जो बहुत ज्यादा सुंदर थे। पर ओलिविया को एक बात काफी अजीब लगी कि उनके अलावा उस शॉप में कोई नहीं था। लेकिन उस शॉप के अंदर खिलौने इतने सुंदर थे कि ओलिविया भी उनको देख कर एक छोटी सी बच्ची बन गई। वो शॉप एक्सप्लोर कर ही रही थी कि उसे एकदम से एहसास हुआ कि बेकी उसके साथ नहीं है। उसने पूरे स्टोर में अपनी बेटी को ढूंढा पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। उसने काउंटर पर जाकर मदद मांगने की कोशिश भी की पर वहां भी कोई नहीं था। डरी हुई ओलिविया बेकी को आवाज लगाते हुए उसे हर जगह ढूंढ रही थी जब उसे एक बूढ़े इंसान की जोर से हंसने की आवाज आई। उसने आवाज की ओर देखा तो उसी टॉय शॉप के एक अंधेरे से कोने में कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी सांता क्लॉस की कॉस्ट्यूम पहने जोरों से हंस रहा था और उसकी बेटी बेकी उस सांता की गोद में बैठी हुई थी। जैसे ही ओलिविया ने उस सांता क्लॉस को देखा वो हंसता हुआ सांता अचानक चुप हो गया और अपनी आंखें उठाकर ओलिविया को घूरने लगा। उस सांता को देखकर ओलिविया को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। ओलिविया को बेकी का वहां उस सांता की गोद में होना ठीक नहीं लग रहा था तो उसने चिल्लाकर बेकी को अपने पास आने को कहा पर बेकी ने अपनी मॉम ओलिविया को कोई जवाब ही नहीं दिया। ओलिविया जब उस सांता के पास अपनी बेटी को वहां से ले जाने के लिए पहुंची तो उसने अपनी बेटी को सांता को ये बोलते हुए सुना कि क्रिसमस पर ओलिविया बेकी को अपने दोस्तों से दूर ले आई है और वो इसलिए अपनी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब ओलिविया ने इस बात को सुनकर उस सांता की ओर देखा तो उस सांता की शक्ल पर एक बहुत ही डरावनी हंसी थी। ओलिविया ने तुरंत अपनी बेटी को सांता की गोद से उतारा और स्टोर से बाहर निकलने लगी। बेकी बाहर जाते हुए सांता को मुड़कर बाय कर रही थी पर जैसे ही ओलिविया ने सांता की ओर मुड़कर देखा तो वो जोर जोर से अपनी भयानक सी आवाज में हंसने लगा और हंसता हुआ अचानक से अंधेरे में गायब हो गया। उसे ऐसे गायब होता देख ओलिविया एकदम घबरा उठी और जल्दी से बेकी को कार में बिठाकर वहां से निकल गई। ओलिविया का हस्बैंड टाइलर एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर में था जो शिकागो से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। घर पहुंचते ही ओलिविया ने अपने पति टाइलर को फोन मिलाया और जल्दी से घर वापस आने को कहा। टाइलर ने कहा कि वो रात तक घर वापस आ जाएगा। रात होते ही ओलिविया ने घर को अंदर से बंद कर लिया और रात को अपनी बेटी को अपने कमरे में अपने साथ सुलाकर खुद सोने की कोशिश करने लगी। देर रात हो चुकी थी, उसकी आंख अभी लगी ही थी जब उसे बेकी के हंसने की आवाज आने लगी और साथ साथ उसे एक गाना सुनाई देने लगा। ओलिविया ने डरते हुए आंख खोली और जो उसने देखा
वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके कमरे में खिड़की के पास वही सांता खड़ा था जो उस टॉय शॉप में उन्हें दिखा था। वो छोटी सी बेकी को हवा में जोर जोर से उछालकर झूला झूला रहा था। ये देखते ही ओलिविया डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर वो सांता ओलिविया की तरफ मुड़ा और वही गाना और तेज आवाज में गाने लगा। बेकी जिसको वो हवा में उछालकर झूला रहा था बीच हवा से जमीन पर गिर पड़ी। ओलिविया ने बिना कुछ सोचे समझे घायल बेकी को वहां से उठाया और उस घर से निकलने के लिए भागने लगी। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी उसने देखा कि वही सांता सामने से उसकी तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो सांता का हुलिया बदल गया हो और वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। ओलिविया ने अपनी डाइनिंग टेबल पर पड़े प्लेट्स और फोक्स उस पर फेंक कर खुद को बचाने की कोशिश भी की, पर वो सब उस सांता के आर पार चले गए और उसे कुछ नहीं हुआ। ओलिविया पूरी तरह घबराई हुई थी और अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अपने घर की विंडो का शीशा तोड़ा और बेकी को लेकर उस खिड़की से कूदकर घर से बाहर भागी। उसने अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी ऑन की, लेकिन तभी उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी आंखें जब गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो वो सांता उसके पीछे ही था और उसका गला दबा रहा था। उस सांता ने रोती हुई बेकी से कहा कि इस क्रिसमस उसका प्रेजेंट होगा उसकी मॉम की लाश। ओलिविया को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगी। जब उसकी आंख खुली तो उसका पति टाइलर और बेटी बेकी उसके पास बैठे थे और वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। टाइलर के साथ ओलिविया के कुछ पड़ोसी भी थे जो उसके घर का शोर सुनकर उसे बचाने आए थे, और तब उन्हें ओलिविया अपनी कार में बेहोश पड़ी मिली थी। उन्होंने ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। जब उन्होंने ओलिविया का पूरा किस्सा सुना तो उन्होंने बताया कि वो टॉय स्टोर जिसमें वो गए थे वो कई सालों से बंद पड़ा है। कई साल पहले इसी टॉय स्टोर में एक पागल आदमी काम किया करता था जो क्रिसमस के दिन सांता क्लॉस बनकर लोगों के घरों में घुसता था और अपने मजे के लिए उन्हें डराता रहता था। एक दिन कुछ लड़कों ने उससे परेशान होकर क्रिसमस ईव की रात उसे वापस डराने के लिए उसकी टॉय शॉप में पटाखे जलाकर उसकी शॉप को बाहर से लॉक कर दिया। उसमें से एक पटाखा गिफ्ट रैप और क्रिसमस ट्री वाले सेक्शन में जाकर फटा, जिसकी वजह से उसकी पूरी शॉप जल गई और उसी आग में जलकर वो सांता भी मर गया। कहते हैं कि तब से हर क्रिसमस ईव पर वो खंडर अपने आप ठीक होकर कुछ लोगों को टॉय शॉप जैसा दिखता है, और अगर कोई उस टॉय शॉप में जाकर उस सांता से कुछ मांग ले तो वो सांता उस इंसान के घर जाकर उसकी या किसी फैमिली मेंबर की जान ले लेता है। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उस एरिया में कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां लोगों ने उस डरावने सांता को देखा है। ये सब सुनकर ओलिविया ने अपने आप को खुशनसीब माना कि वो और उसकी बेटी उस रात बच गए। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया, लेकिन उस भयानक सांता का चेहरा शायद ही ओलिविया कभी भूल पाएगी। हमारी अगले हफ्ते की कहानी सर्कस Spotify पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, विश यू अ मेरी क्रिसमस।